विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभाजनन का प्रणाम करी थे। हम खड़े हैं रीवा सीधी रोड में। रीवा सीधी रोड के वह क्षेत्र जहां से 1 किलोमीटर जो है टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा मतलब यदि अपना रीवा से सीधी के ओर हो तो एठ से निश्चित तौर पर 1 किलोमीटर के दूरी में टोल प्लाजा है। हमारे पीछे एक दर्दनाक तस्वीर देखी लागे। दर्दनाक तस्वीर ऐसे हम कही लागे कि रफ्तार के कहर वह चीज आए, वह दौर आए कि जब सीधी में पहले तो सड़क नहीं रही, अब सड़क बन चुकी है। तो हालात यह है कि यहाँ रफ्तार के कहर खुलेआम देखे का मिले थी और खुलेआम अपना जो तस्वीर देखी ला है बेहद डरावनी तस्वीर ही, जहाँ खुलेआम एक ट्रक एक बल्कर जो प्रिज्म सीमेंट जो उन्हें लिखा लाग है और वह एक खाई में गिर चुका है। नीचे एक पुलिया बनी है किंतु वह पुलिया जो है स्थिति है कि यह डिवाइडर हम दिखावे चाहब कैमरामैन से कहा कि वह डिवाइडर दिखा मैं कि यह डिवाइडर बना है। डिवाइडर का तोड़त कीन जो है नीचे खाई में गिर चुका है। लगभग यह खाई की यदि बात कीन जाए तो कम से कम 10 से 15 फीट के खाई है, वह खाई में गिर चुका है। एठे स्थिति खुलेआम तौर में हम यह दिखावे के प्रयास करी थे कि सड़क बने के बाद हालात का हो थे। हालात यह है कि रफ्तार के कहर कबो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कह देते हैं, कबो अपने जान के साथ खिलवाड़ कह देते हैं। हालात यह है कि यह दौरान में हम कुछ लोग इट खड़े हैं जो ड्राइवर हैं, उन्हों से जाने के प्रयास करब कि हालात का है, काकू एमा जर्जर हालात में पहुंचा है या केहू के मृत्यु भय ही या नहीं भया, किंतु हालात बेहद चौंकावे वाले हैं। जो ट्रक के पोजीशन दिखाती हम बेबे कैमरामैन से यह कहा कि ट्रक के पोजीशन देखी 15 फीट गहरी खाई में गिर चुका है ट्रक वाला। हमको लगा था कि सुरक्षित है, लोग इट खड़े हैं, अई भैया लोग इट खड़े हैं। लोगन से हम जाने के प्रयास करी थे कि कहा अपना गाड़ी में रहन या फिर कैसा इट खड़े हैं, कैसा खड़े हैं भैया गाड़ी में रहन, यह गाड़ी में रहन कैसा, यह घटना कैसा है? ये हाईवे गाड़ी वाला उधर से आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, वो मतलब वो आया और पूरा दबा लिया ये साइड। मैंने उसको देखा सामने से तो अपनी गाड़ी पूरी ये साइड दबा के ऐसे वो किया, लेकिन गाड़ी उसमें जाके टकराई और वो गाड़ी जाके नीचे खाई में चली। ये कई बजे की घटना है, पूरी घटना है अपना सबसे बड़ी बात कि हम जेके साथ खड़े नहीं चाहिए ना, गाड़ी साइड आई जी। हम यह घटना ऐसे दिखाओ जरूरी समझी थे कि लोग शिक्षा लें, काहे कि रात में सड़क में कहन कहन यमराज दौड़त है। हालात यह है कि स्पीड इतनी ज़्यादा होती कि वो अपने जान के साथ आन के जान के साथ खिलवाड़ कह देते। कहा नाव है अपना के पहले यह बताइए? बाबूलाल यादव। कहाँ से है अपना? रीवा। रीवा क्या है यह बताइए कि अपना ये कहाँ से कहाँ गाड़ी चला रहे? ये ब्रिजम से जा रहे निगरी। सतना से? सतना से। यह डस्ट लेके जाई थे अपना राखड़? राखड़ लेके जाई थे। कहाँ? निगरी प्लांट वहाँ। निगरी प्लांट वहाँ। अच्छा तो वहाँ का होते ये डस्ट के? सीमेंट बना थे। अच्छा तो यह बताइए कि यह जो घटना भय जैसा अपने बताए नहीं, कई बजे रात की घटना है? करीबन 5 बजे। सुबेरे 5 बजे? 5:30 बजे। तो कैसा घटना भाई एक बार फिर से बताइए? घटना वो वही हाईवे वाला इधर से, मैं उधर से आ रहा था, हाईवे वाला पूरा मेरे साइड दबा लिया था। हाँ। तो मैं अपना गाड़ी बचाने के चक्कर में गाड़ी वो साइड दबाया, लेकिन वो जाके रिवाइडर में लगे और रिवाइडर से ये गाड़ी ये साइड कटी ही नहीं पूरा, वो आगे चली गई और आगे का टायर फूटा तो गाड़ी पूरी झुक गई वो साइड। तक आगे वाला टायर फूट गया है गाड़ी के? फूट गया। और कई जने रहन अपना गाड़ी में? दो आदमी। तो वह दोनों आदमी सुरक्षित है? सुरक्षित। तो यह बताइए कि मतलब यह अक्सर यह भी घटना का है कि देखे को मिला थी हाईवे में, तो यह वजह का ही हाईवे में मान लो अगर आदमी कोई ठीक से नहीं चलता है, अगर सामने वाले को भी तकलीफ होती है, सबसे बड़ी वजह यही होती है। अगर मान लो वो अपने साइड में होता तो हमको ये तकलीफ नहीं होती, तो मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरे की भी जान बचाने के चक्कर में होता है ऐसा आदमी नहीं तो कहा अपना नशा में रहन। कहे कि अक्सर आरोपी गाड़ी का देख के अपना पंचन का जानी थे कि अक्सर आरोपी है लागत है कि लोग नशा में रहा थे और नशा के चलते यह में दुर्घटना होती है। कहा कहा अपना की कहा अपना नशा में रहन या सामने वाला नशा में रहा? मैं ये कैसे कह सकता हूँ क्योंकि वो आदमी तो रुका नहीं मेरे पास, मैं उसको कैसे कह दूँ कि वो नशे में? हाँ, हाँ दबाया जरूर है मेरे को। हाँ। दबाने की वजह से जो हुआ है ये सब हुआ। हाँ, नहीं तो कहा अपना नशा में रहन कि नहीं रहे? यार हम नशे में हुई तभी हमें खड़े रहे। हाँ। में बाँची थी हमें माही नशे में हुई था। तो मतलब कहा थे ना कि जाको राखे साई या मार सके ना कोई, तो यह हालत है कि मतलब जब भगवान केहू के सहारा बना थे
कि इतनी बड़ी गाड़ी इनकर वजन कुल हमका लागत है 50-55 किलो हुई, और गाड़ी के वजन यदि अपना कल्पना करब तो 1 टन 2 टन कई टन की गाड़ी है अपना के 18-19 टन के गाड़ी है। कल्पना करी कि 50 किलो के आदमी 18 टन के गाड़ी का रोड में दौड़ावत है, और हालात यह है कि वह गाड़ी के स्थिति अपना देखते लाग है कि मूड़ कहाँ घुसा है और ओकर जो है पिछला हिस्सा कहाँ घुसा लाग है, किंतु वह 50 किलो के आदमी सुरक्षित है। तो ये कहो न कहो दैविक प्रवृत्ति हम एक मानी थे और अपना का लागत है को बचाई अपना के ये हादसा में। किस्मत भगवान पर भरोसा करी थे? बिल्कुल हाँ, फुल भरोसा करते हैं भगवान। नहीं तो का लागत है कि हमें घटना से यदि बच गए तो कितनी बड़ी बात। ये तो अपनी किस्मत है, अगर किस्मत नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता है ना। ये हमें हादसा में का लागत है कि घटना बड़ी हो सक रही है? कुछ भी हो सकता है, अभी सामने पेड़ भी है और उधर पुल भी है, कुछ भी कह नहीं सकते क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि यह हमारा मकसद है, ग्राउंड जीरो के मकसद यह है कि यह में एक्सीडेंट यदि होते दुर्घटना होती है सड़क दुर्घटना होती है तो हर कोई नशा में नहीं हुए। कबो कबो हालात जो है इंसान का मजबूर कह देते हैं कि आपन जान बचावे के है आनों के जान बचावे के है, तब वह बेहद बड़ा कदम उठावत है। और यह में हालात गाड़ी के साथ हो जाते हैं, कहे कि लोगन का बहुत छोट एक थे बात कही जाती कि वो सीधे कह देते कि ड्राइवर नशे में था, किंतु कबो कबो किस्मत साथ देती और यह में व्यक्ति जान बची जाती और साथ में अपने जान के साथ एक व्यक्ति के और जान बचा लेते, किंतु गाड़ी है तो गाड़ी मालिक सुरक्षित निकाल ले ही, किंतु यदि जान चली जात तो अपना खुद सोची कि एक घर के चिराग बुझ जात और घर के पीछे कितने लोग कहो न कहो बेबस अनाथ हो जाते। तो यह सड़क आए और यह सड़क में कितनी दर्दनाक कहानी होती है, तो यह सड़क का जरूर याद रखब और यह सड़क के स्पीड का याद रखब कि कबो यह में गलती न करब कि अपने क्षमता से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाई और गाड़ी बहक जाई तो शायद अपना के घर अपना के कुनबा अनाथ हो सकत है। तो यह बेहद दिलचस्प यह घटना जो है हम दिखाई लागे कि किस्मत केहू का बचा ले थी, किंतु केहू के साथ किस्मत खिलवाड़ कर दे थी। वो हालात यह हो जाते कि घर के न घाट के रह जाएं और घर जो है कहो न कहो बेहद बेदर्द हालातन से गुजर जात है। तो एक बार फिर से हम दिखावे चाहे थे कि ये थे जो स्थिति है दिख ली गाड़ी के कि गाड़ी जो उन्हें पोजीशन में ही तो अपना कल्पना नहीं कर सकी कि एहू माँ केहू के जान बच सका थी, किंतु कहा थे ना जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।